कॉन्फ्रेंस बुलाएगी लीडर का? आए हुए सभी पत्रकार भाई जो मीडिया के लोग हैं, सबका मैं समाजवादी पार्टी भिवंडी वेस्ट की इस कार्यालय में स्वागत करता हूं। और आज ये आप लोगों के समक्ष आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह लगातार देश के अंदर सामाजिक सद्भाव जो होता है, सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है जिस पर केंद्र की सरकार या स्टेट की गवर्नमेंट कान में तेल डाल के बैठ जाती है। और उन चीजों पे आप सब लोग, आपके माध्यम से सारे देश का ध्यान खींचने के लिए, सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ पे आप सबको आमंत्रित किया गया है। जैसे कि कल बेंगलोर के अंदर कोई श्रीराम सेना, जिसका कि रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो चुका है और उसके स्वयंभू कोई अध्यक्ष हैं प्रमोद प्रमोद मुथालिक की तरफ से एक ऐसा बयान आया कि जिसमें उन्होंने हिंदुओं को यह ललकारा है कि आप लोग जो है 10 मुस्लिम लड़कियों के साथ में शादियां करिए और आप लोगों के भविष्य की चिंता नहीं करनी है, आप लोगों को अपने सेफ्टी की चिंता नहीं करनी है और आपको अगर रोजी रोटी इस ये करने के बाद तो आपके रोजी रोटी की व्यवस्था वो खुद करेंगे, आपकी सुरक्षा वो खुद देंगे। इस तरह के बयान कोई इनका पहला बयान नहीं है, लगातार इस तरह वो जहर उगलते रहते हैं। और केवल उन्हीं की बात नहीं है, कोई पहली बार और आखिरी बार नहीं हो रहा है ये चीजें लगातार 2014 के बाद से, और इसका प्रमाण बढ़ते जा रहा है। कुछ दिन पहले ये भी आपने देखा होगा कि कहीं हरियाणा में मेवात के इलाके में इसी तरह एक सनसनी फैलाने के लिए या आपसी भेदभाव भाईचारा बिगाड़ने के लिए राजस्थान के दो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, दो भाइयों को मॉब लिंचिंग कर दी गई। और मॉब लिंचिंग करने के बाद भी जो खबरें आ रही हैं कि लिंचिंग करने वालों के प्रोटेस्ट में जुलूस निकाले, आप इसके पहले भी अगर याद करेंगे कठुआ का मामला है कश्मीर में, 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, चूंकि वो एक ऐसे समुदाय से थी, पिछड़े समुदाय से थी, घुमंतु यायावर जाति की थी, कि जब उसमें जो लोग पकड़े गए, किसी मंदिर की पुजारी पकड़ा गया और कोई लोग पकड़े गए, उनके समर्थन में जम्मू में जुलूस निकला था तिरंगा लेकर के, कितनी शर्मनाक बात है देश की। मॉब लिंचिंग में झारखंड में जो आरोपी पकड़े गए थे, चंद दिन के बाद कोर्ट से रिहा हुए या जमानत पर रिहा किए गए, तो केंद्र का मंत्री जाकर के उनको हार पहना के स्वागत करता है। इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर इस चीज में प्रमोद मुतालिक ही अकेले है, नहीं है, सरकार के जिम्मेदार लोग भी हैं उसमें और उनको सरकार में बड़े बड़े ओहदे भी दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े एमपी भी हैं, सीनियर एमपी भी हैं। भोपाल की एमपी ने भी बयान दिया था कुछ विवादास्पद, साधु संत तो लगातार जहर उगल ही रहे हैं, सामाजिक संभाव और सामाजिक ताना दबाना जिस ढंग से बिगड़ रहा है देश का, ये हम सभी नागरिकों के लिए एक चिंता का विषय है। समाजवादी पार्टी कभी भी इस ढंग की राजनीति नहीं करती और ये पुरजोर तरीके से डिमांड करती है कि इसको बहुत सख्ती के साथ कानून के अंतर्गत इसको दबाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी इस बारे में बयान देना चाहिए, गृह मंत्री जो केंद्र के हैं उनको भी इस बारे में बयान देना चाहिए, और न केवल बयान देना चाहिए, कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस ढंग की चीजें रुकनी चाहिए। ये हम डिमांड करते हुए आज हम समाजवादी पार्टी भिवंडी की तरफ से एक ज्ञापन अपने जो उपायुक्त हैं डीसीपी साहब को दिया है, दूसरा ज्ञापन हमने प्रांत साहब को भी दिया है और इन लोगों ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसके खिलाफ एक जो कल का जो बयान है उसके खिलाफ कोई एफआईआर
या कानूनी कार्रवाई जो भी हम कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से यहाँ करने का प्रयास करें। यादव जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी आपने ही कहा आपने शब्दों में गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर संविधान है, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, संविधान सम्मत बात कर रहे हैं। संविधान के अंदर जो भी इनके ऊपर मुकदमा माहौल बिगाड़ने का हो या हेट स्पीच का हो, 3 से 5 साल की सजा होती है हेट स्पीच में, तो क्लियर कट हेट स्पीच का मामला है और उसमें हम चाहते हैं कि वो जो धाराएं हैं उस उन धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर केस हो और इस ऐसे संगठन बैन किए जाए, पूरे देश में इन पर पाबंदी लगाई जानी। एक तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि उनके ऊपर केस होते हैं और वो जमानत पे छूट जाते हो, कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था वहां पे लाचार नजर आ रही है ऐसे लोगों को। देखिए, फिर भी कोर्ट पे तो हमें भरोसा करना चाहिए, उस मुद्दे पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर हो सकता है कि पुलिस ने किस ढंग से उस चीज को प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि पूरी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए और कोर्ट भी उन्हें सजा देनी। 2014 से जब से ये सरकार आई है, एक पर्टिकुलर संविधान टारगेट किया जा रहा है और कुछ न कुछ रोज होते चला जा रहा है। अब ये अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को डराने का तरीका सुन लीजिए, जो बोली ये जो आदमी है जिसकी बात कर प्रणव मुतल्लिक, ये आदमी श्री राम सेना के हेड, इनका काम ही यही रहा, चाहे चाहे पत्रकारों का मामला रहा और चाहे बहुत सारे मामले रहे, हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव ही करते आए। तो एक पर्टिकुलर समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, बांटने की कोशिश हो रही है। हमको इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, श्रीराम सेना को बैन करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आगे लोग इस तरीके की बात बोलने से पहले 100 मरतबा सोचे। जुनैद और नासिर का जो मामला हुआ, मॉब लिंचिंग वाला मामला हुआ, वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये वहां पे सरकार होने के बावजूद इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हो रही है और कुछ कार्रवाई नहीं हुई, अब तक रिजल्ट आना चाहिए था। सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या कर रहे हैं लोग? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे